बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बहन भाई ख्याल कैसे होंगे जी। आज के ब्लॉग का आगाज़ करें, शुरू से लेके आखिर तक देखना। तो इस वक्त जो है ना, हम ब्लॉग बना रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग बनाया, ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो है ना, अपने बहन भाई को अच्छी अच्छी वीडियो बना के हम ज़रूर पेश करेंगे। तो इसी के साथ जो बहन भाई नए हैं, वो बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा जी, चीज़ा तैयार कर लिया वा। बस थोड़ा जहा सारियाँ बनाना वा। चार प्याज, छोटे छोटे लसन, टमाटर, मिर्चा, तो देगची लैने, आलू अगर शोरबा करके, फिर अंडे बॉयल करके रख के सारियाँ बना लिया। तो एवं चीज़ा काट ला, ऐसे करके मैं चाह का कप बना के रखे भी पीना वा। अच्छा, वैसे शेल्फों का मौज है ना, बड़ी मौज, बड़ी मौज। बंदा खड़ के जेड़ी चीज मर्जी जेड़ा ना हो बना लवे, कर लवे। इना कोली ग्राइंडर हैगा? इदे कोली मिस्त्री को, मिस्त्री को। ओहो, ग्राइंडर जेड़ा ना इदे कोल हैगा, सिर्फ वट्टी सानू लिया के देनी पैनी है बस। तुसी ओ लिया दो जी, कुछ है सुबह पहले ये फाइनल करवा के ना, इत्थे कलर सुबह ना शुरू करना वा। खाली खाली जहा लगना, तेन मैं दस दा भी जिदा कोई शह हुंदी नहीं। सही है, आ जा। हेलो चाची, हेलो चाची, कर देने थमली च से लगवा ले ना, वो रेड जैक ना खलोने वाला मोबाइल जिया पकड़ा हुआ सी। हेलो चाची, हेलो चाची, ते ओ चोट लग गई, उन्होंने बाहर लेके भेजा वा। ते ऐसा ते कप वगैरह सारे अपन को तू आके इथे रखिया बाहर, ने एक दिन जदों दोबारा दोबारा बर्तन जंदे हो रहे सी, ओ टापे के धो के मैं रखा, तुसी चोग के इथे रख दो, फिर हम सवेरे बाहर कर दांगे। ते मैं हम रोटियां बना लूं, सालन मैं तकरीबन बना लिया वा, ते रोटियां बना के ते काम मुके। अच्छा, इसते अगर फर्ज करो तुसी खड़े हो ते इते चूल्हा भी रखते, इजीली तुसी कुकिंग कर सकते हो ना खलोके। मेरी ता खैर है, मैं ता नीचे भी कर लेनी, ऊपर भी। गल है के चाची जी आणगे ना, उना वास्ते सुख हो जाएगा। नहीं, उना वास्ते ता सुख हो जाएगा। मैं एक गल करदा वी, ओ अगर चल के जावे ते ऐसे सेल्फ ते ही रख्या जावे, ते सामने बंदा क्लिप वगैरह भी बना लेता, क्योंकि साडा काम भी इस तरह दा। नहीं, इस शेल्फ ते भी तुसी चूल्हा रख सकते हो। मैं गल करदा कि अगर ये थोड़ी जी उच्ची कर लेंदे ते फिर उन्हें मिस्त्री भाई कहंदा सी फिर नीचे ईटा। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। हां, ये उच्ची हो जाए फिर एंज कर करके डोई घुमाओ, ते एंज कर करके उन्होंने कहा सी कि ये हिसाब रखो कि बंदे नु मौका ना होना पवे। कई लोगों ने बहुत ज्यादा उच्ची होने ते चूल्हा भी ऊपर इत्थे तक चूल्हा आना, फिर ऊपर इत्थे हां जी आने। बिल्कुल इत्थे बराबर आया इस तरह। ते फिर ये कर लिया रोटियां बना ला, तकरीबन सारा को मगरब हो गई है काफ़ी देर की, इशा बजे तक लगता भी अस खाना खा ही लवेंगे। तो वह टप बर्तन का धो के मैं रखा, मैंने चुकवा के ना इतने करा लो, वो कह के गए कलर वाले भाई, मतलब सफियान ना लग्या हों, कहता जी मामी सुबह ना अभी आई है, तो ए किचन वेला होना चाहिए अस ये करना वा, तो क्योंकि सूँ ये क्लीयर करके देिए कि तुम अपने ना जो बाहर बर्तन वगैरह चीज़ा खराब हो रही वा उन्होंने धो धो के सैट करो। मैं क्या भी ठीक है। तो दूसरी गल ये है कि तुम इतने टूटी हुई चा वो मिस्त्री भाई भी कह रहे थे लगवाने है ना, वो भी लैके उत्ते चाची जी की कार आई, कह रहे थे वाशरूम भी तुम बनवाया। मैं क्या चाची जी, मैंने पता चाचू को पता होगा या मतलब मसूलों पता होगा? उन्हें कहा भी मैं तुम्हें कहा सीगा कि बाकी काम छड़ के मेरी बाद भी प्लसर होंगी रहेगी सारा कुछ, पहले वाशरूम क्लीयर करो क्योंकि सारे रंग हो रहा सारा कुछ, वो कोई टिड्डी या कोई भी चीज़ है वो इधर मकान ना आना सारा फाइनल हो जाए। गल भी ठीक है। तो मैं क्या मैंने नहीं इस चीज़ का पता, चाचू जी ने टाइल वगैरह पसंद करनी है, तो मैं तो बच्चे पप्पा ने लैके आनी है हर चीज़, तो मिस्त्री ने लगानी है। मैं अच्छी गल बारे चाची जी पता, लेकिन गल थी ठीक है, तो हवेली बाद प्लस्तर करवाने पहले वाशरूम कमर करवाओ जी। ये भी गल ठीक है, लेकिन वो लगे रहन कि मैं समान लिया ना, समान जरा चाचू जी ने टाइल पसंद करनी सी, कम से कम जरा ना वाशरूम, वाशरूम ते जरा ना हो काफ़ी एक्सपेंसेस जरे खर्च होने हैं, यानी कि काफ़ी खर्चा हो जाना वाशरूम ते, वाशरूम जरा चाची जी की पसंद आ बनना, तो मैं इस करके जरा ना वो चाचू जी ने आख्या सी, मैं क्या भी तुसी जरा ना
इस नूं अपने फैसला कर लो कि केड़ी टाइल लगवानी है ना। बस इन्ना कोई बड़ा वाशरूम नहीं है, हां बाहर वाला मेरे ख्याल में थोड़ा बड़ा ही है। बाहर वाला बड़ा, हां जी। ते बस तुसी ये टॉयलेट इंग्लिश टॉयलेट बस लानी है, ते सिंक लाना वा, शावर लाना वा, टाइल लगानी है। जी मैं तेनु दादा मोटा मोटा दादा 25-30 हज़ार का शावर है। अच्छा। ठीक है ना, ते 15 हज़ार दे कंबोर्ड, ते 10-15 हज़ार दसी। नहीं अच्छा जी, मतलब वाशरूम में तुसी को 20-30 हज़ार या 50 हज़ार का भी फर्क पवे, ते ये नहीं सोचना कि हल्की चीज़ नहीं लियानी। नहीं नहीं, मैं एस्टीमेटेड दादा ना कि 40 हज़ार की टाइल बन जानी है, ते तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया लग जाएगा। इन्ना तो आ ही जाना वा, मजदूरी वगैरह भी बच पाओ, सारा पाओ। चलो मैं उपरों क्लिप बनाना। हाँ जी, वो एक बर्तन का भी बना लो, मैं तो टप भरे गए। समैरा ने बर्तन धोए से, यह चक के जरा ना अंदर किचन च रखते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह चाचू जी ने बहुत जबरदस्त डिजाइन जरा ना वो बनवाया, तो परतियां का बहुत जरा ना जबरदस्त डिजाइन बनया, तो बहुत खूबसूरत लगनी है जो इन्हों जरा ना प्लस वगैरह हो गया। मेरे सामने फ्रंट साइज फ्रंट साइड है जी असं दिखा रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा चाचू जी ने बनवाया हुआ घर जी। साढ़े को इस टाइम शाम हो गई है, तो असं हम उपर जा रहे हैं लाइट ऑन करने वास्ते, तो नाले अपने बैंड भरावों जरा ना उपर जी पर्दी बनी है वह क्लिप बना के दिखाने, तो नाले लाइट्स दिखाने कि किस तरह की लगती है जी। लाइट्स मैं ऑन कर दी है, तो जड़ा ना यह अंदरली साइड तो हूँ पता लगता कि किन्नी जगह जी है ना वह बनी हुई है, वली हुई है। अगे नहीं सी पता लगता, हूँ परदी दे नाल पता लगता कि किन्नी जगह जरा ना मकान बने हुए है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। हजे कलर नहीं होया, जो कलर हो जाएगा माशाल्लाह तो यह बहुत ही प्यारा घर बनेगा इंशाल्लाह। तो जो परदी भी रंग हो गई, यह भी देखो किन्ना खूबसूरत व्यू जड़ा ना वो इतों बनता पाया वा, तो हजे तो रंग होना वा, इन दरवाजे लगने होर भी खूबसूरत जड़ा ना वह घर बन जाना, तो माशाल्लाह बहुत ही जड़ा ना वह प्यारा हो गया घर। एक अंडा ज्यान देख दिया खिला के जी, मेरा ख्याल है मुश्किल ही खाऊगा, इन्होंने पीस कर दे छोटे छोटे, तो फिर इन्होंने ना सालन के पा दो। अच्छा जी, जेड़ा भाई साढ़े ना कम करता ना मिस्त्रियों के नाल, तो वह माल्टे दे के गया, उन्होंने अच्छ बाग टुटिया, तो वह कहता सी मजदूर भाई कहता सी साढ़ा ना बाग टुट गया, तो यह मौसमी जड़े ना लिया है, यानी वह ना वह वेचते है ना जिस तरह बाग नहीं विकता हों, जिन्स विकती है इस तरह माल्टे विकते हैं। हाँ जी, बूटे खड़े माल्टे विक गए, मार सही कहता वा, तो ज्यान जरा ना खुश है, तो ज्यान हाँ जी है ना ज्यान, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, बच्चे जड़े है ना माल्टे खाण गए। हाँ जी, मैं वह शुक्रिया अदा किया, मैं क्या थैंक यू भाई। हैलो चाचू जी, सालन बन गया, अपने भैन भरा ने शेयर किया। अच्छा जी, बाजी के घर आए हो सी, ते हाँ जी ते अगले साल वो वड्डी पट्टी चलानी है लाइटा। अगले साल लड़िया टंगनिया सारी पर ला के रख लिया करनी, जगमग जगमग जिस तरह व्याह शादियां दुल्हन तरह घर सजावांगे।
नहीं नहीं लगी रही दोबारा ला दियो उन्होंने जोड़ दियो एल्फी दे नाल। जी बच्चों ने शाम के जो है ना वो बिस्तर लगा दिए, ये अदन की ड्यूटी होती है। जी अपने घर से शाम का व्यू हम दिखा रहे हैं, वो सामने चांद नजर आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त व्यू है। इसी के साथ हम अपने देखने वाले बहन भाइयों से इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।